हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपी क्लासेस में। मैं हूं विजय कुमार और आज की क्लास में हम जो क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं उसमें आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल के बारे में, सवाल के बारे में, और हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और प्रकाश के परावर्तन के नियम से जो भी उसके फार्मूले हैं उस पर कौन कौन सा न्यूमेरिकल किस प्रकार से सॉल्व होता है। तो उसके पहले हम ये देख लेते हैं रेखीय आवर्धन के बारे में कि इसमें जो वस्तु प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु से बड़ा होता है या छोटा होता है या उसके बराबर होता है, वो हमें पता चलता है रेखीय आवर्धन की सहायता से। रेखीय आवर्धन की सहायता से कैसे पता चलता है? तो अगर जैसे पहले रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू होता है h डैश बाई h या फिर माइनस v बाई u। ये फार्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो इसमें इस फार्मूले की सहायता से देखिए, अगर m का मान न्यूमेरिकल में हमें m का मान निकालना होगा या फिर हमें वो दिया रहेगा, तो m के मान से हम पता चला m के मान से हम पता कर लेंगे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा या प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु के आकार से बड़ा होगा या प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। यहां पर देखिए, अगर m की वैल्यू 1 होती है, m की वैल्यू अगर 1 होती है तो h डैश बराबर h, मतलब h डैश क्या है, एच डैश क्या होता है, एच डैश कहते हैं प्रतिबिंब का आकार। किसका आकार? प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। और एच क्या होता है, एच होता है वस्तु की लंबाई। किसकी लंबाई? वस्तु की लंबाई। अगर एम का मान 1 होता है तो एच डैश बराबर एच। यहां पर देख लीजिए आप, अगर एम की अगर हम 1 रख देते हैं, m की जगह पे 1 रख देते हैं तो 1 इक्वल टू एच डैश बाई एच, तो एच डैश इक्वल टू एच मिलेगा यहाँ से। तो यही यहाँ पर लिखा होगा कि अगर m की वैल्यू 1 हुई तो एच डैश इक्वल टू एच। और दूसरी बात देखिए, अगर m का मान 1 से ज्यादा हुआ, अगर m का मान 1 से ज्यादा हुआ तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो ज्यादा होगी किससे, वस्तु की लंबाई से। यहाँ पर देखिए, m का मान अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो h डैश है वो 1 कब आएगा, जब इस h डैश की वैल्यू h से ज्यादा होगी तभी 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पर अगर 3 लिखा हो, यहाँ पर 2 लिखा हो, तो अब देखिए 1 से ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर जैसे m की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, m की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर h डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी h से। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात है जो तीसरा पॉइंट है वो है कि m की वैल्यू अगर 1 से कम हुई, अगर m की वैल्यू 1 से कम हुई तो जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो छोटा हो जाएगा वस्तु के आकार से, वस्तु के लंबाई से। तो ये बातें हमको तीनों याद रखनी है। और भी दो तीन फार्मूले हैं जो हमको सवाल लगाते समय याद रखना है। कौन कौन सा फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं, एक तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो फार्मूला है वो है परावर्तन के नियम से जो होता है कोण I इक्वल टू कोण R। एक ये फार्मूला हमें प्रकाश के परावर्तन में पढ़ना है। और क्या है, एक है फार्मूला है F बराबर R बाई 2, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। और एक फार्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 बाई F इक्वल टू 1 बाई V प्लस 1 बाई U। ये इतने फार्मूले ही आपके जो न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे उसमें इतने ही फार्मूले आपको यूज में लाने हैं, 1, 2, 3 और 4। अगर ये 4 पोल में आपको याद है तो आपको न्यूमेरिकल में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, उसके बाद हम आते हैं सीधे न्यूमेरिकल पे। चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। जो पहला न्यूमेरिकल हमारा है, पहला न्यूमेरिकल आपको शो हो जाएगा डिस्प्ले पे आपके आ जाएगा। पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चित्र कैसा दिया हुआ है आप देख लीजिए, यहां पर इस प्रकार का चित्र दिया हुआ है। यहां पर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और यह दर्पण कौन सा है, आप दर्पण देख के बताइए कौन सा दर्पण है।
बस इतनी चीजें दी हुई है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है मुख्य अक्ष। यहां पर देखिए यह हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, और ये जो दूरी दी हुई है वो क्या है त्रिज्या है, किसकी, इस पूरे वृत्त की क्या है ये त्रिज्या है, और जो वृत्त और ये दर्पण इसी इसी वृत्त का इसी खोखला गोला अगर होगा ये तो खोखले गोले का भाग है, तो यहां पर जो खोखले गोले की त्रिज्या होगी वो क्या होगी वक्रता त्रिज्या, ये क्या होगी वक्रता त्रिज्या होगी। और अभी हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था F इक्वल टू आर बाई टू, तो F इक्वल टू आर बाई टू में वक्रता त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो F इक्वल टू 4 बाई टू तो कितना आएगा 2 क्या सेंटीमीटर, F इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा पहला न्यूमेरिकल और बहुत ही ईजी था, बस देख के बताना था वक्रता त्रिज्या दी हुई थी और हमें फोकस दूरी निकालना था, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल, चलिए अब आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पे। दूसरा जो हमारा न्यूमेरिकल है, दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, मतलब इसमें फोकस दूरी दी हुई है और वस्तु की दूरी दी हुई है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर और दर्पण से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर, दर्पण कौन सा है अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण है, और फोकस दूरी क्या दी हुई है फोकस दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और जो अवतल दर्पण होता है उसमें फोकस दूरी किसमें लेते हैं माइनस में, तो माइनस 10 सेंटीमीटर लिखेंगे इसको हम, और वस्तु की दूरी कहां से वस्तु की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो वस्तु की जो दूरी होती है वो भी 20 माइनस में लेंगे 20 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों माइनस में ले रहे हैं, क्योंकि दर्पण के इस साइड जितनी भी दूरियां हम लेते हैं कौन से दर्पण के अवतल दर्पण के इस साइड में जितनी भी दूरियां लेते हैं हम किसमें लेते हैं माइनस में, तो यहां पर वस्तु यहां कहीं रखा होगा कितने वस्तु की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर पे, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, और जो फोकस दूरी होगी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस इसका जो फोकस होगा यहां पर होगा, तो यहां से लेके यहां तक मतलब ध्रुव तक यहां से लेके यहां तक कितना होगा 10 सेंटीमीटर। अब हमें हमसे पूछ क्या रहा है वी पूछ रहा है वी हमें निकालना है प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है, तो हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा था एफ इक्वल टू 1 by f = 1 by v + 1 by u, बस इसी में एफ की वैल्यू पुट कर देनी है और यू की वैल्यू पुट कर देनी है, तो जो एफ की वैल्यू कैसे पुट करेंगे हम 1 by f किसमें माइनस में, तो यहां पर माइनस 10 लिखते हैं इक्वल टू 1 by v + 1 by u, कितना है माइनस 20 सेंटीमीटर, तो यहां माइनस 20, इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं माइनस 1 by 10 इक्वल टू 1 by v - 1 by 20। अब ये माइनस में है इक्वल के बराबर के अगर इस साइड आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहां पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं माइनस का 1 by 10 + 1 by 20 इक्वल टू 1 by v, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो यहां पर आएगा 20 माइनस इधर इधर मल्टीप्लाई कर लें ऐसे और इसको ऐसे, तो माइनस 20 प्लस 10 200 इक्वल टू 1 by v, यहां कितना बचेगा माइनस 10 क्योंकि माइनस 20 है और यहां पर प्लस 10 है, तो माइनस 10 इक्वल टू 200 ये कट जाएगा इक्वल टू 1 by v, और इसको अगर यहां पर अगर अच्छे से लिख लें तो 1 by 20 = 1 by v, और इसको पलट दे दोनों को पलट दे तो v इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये बात देखिए ये माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनेगा वो किधर बनेगा इधर ही बनेगा इसी साइड बनेगा, इसलिए वैल्यू किसमें आ रही है माइनस में आ रही है। आई बात समझ में, तो हमारा आंसर कितना हो गया जो प्रतिबिंब की दूरी हम क्या लिखेंगे आंसर में लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी प्रतिबिंब की दूरी इक्वल टू कितना लिखेंगे माइनस का 20 सेंटीमीटर।
मीटर या फिर दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर। ये हो गया हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। अब आइए देखते हैं किसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर चलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम इसके बाद का न्यूमेरिकल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से आप पूछिए, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सी दूरी कैसे लेते हैं, माइनस लेते हैं कि प्लस लेते हैं। तीसरा हमारा जो न्यूमेरिकल है, तीसरा न्यूमेरिकल है, यदि कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसमें वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और वस्तु की जो दूरी दी हुई है वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो आइए सॉल्व करते हैं, वक्रता त्रिज्या जो दी हुई कितनी दी हुई है, वक्रता त्रिज्या दी हुई है हमें 15 सेंटीमीटर और दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, तो ये लिखेंगे माइनस का 15 सेंटीमीटर। और जो वस्तु की दूरी दी हुई है, वस्तु की दूरी वो कितनी दी हुई है, वस्तु की दूरी हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। कितना 10 सेंटीमीटर, और किसमें लिखेंगे माइनस में, माइनस 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा, जो वक्रता त्रिज्या को किसे डिनोट करते हैं, आर से, और वस्तु की दूरी को यू से, और प्रतिबिंब की दूरी को वी से, और वी ही हमसे पूछ रहा है। तो पहले हमें देखिए, जो हमें फार्मूला पता है वो फार्मूला क्या पता है, फार्मूला पता है 1 by f = 1 by v + 1 by u। ये फार्मूला पता है, जिसमें से अगर हमें v निकालना है तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें f चाहिए और हमें u चाहिए। जिसमें से हमें u पता है हमें f नहीं पता है, तो f निकालने के लिए हमें ये दिया हुआ है ना, ये वैल्यू हमें पता है ना r इक्वल टू, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है r इक्वल टू f इक्वल टू r बाई 2। तो यहां से r की वैल्यू रख के हम f निकालेंगे, r की वैल्यू क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, माइनस 15 सेंटीमीटर, तो f इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 15 बटे 2 क्या सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गया कि f क्या है, तो f की वैल्यू हमें यहां पता चल गई, u की वैल्यू हमें पता है, हमें v की वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को, फार्मूला ये है 1/f माइनस में, अच्छा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और v जिसमें आएगा प्लस में आएगा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में आएगा तो माइनस में लिखेंगे। अब देखिए तो 1/f यहां पर क्या लिखेंगे, 1 बटे माइनस का 15 बटे 2 माइनस में इक्वल टू 1/v प्लस 1/u माइनस का कितना 10 सेंटीमीटर 10। ये बातें समझ में आई, अब देखिए इसको हम पलट के लिख क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 बटे 15 इक्वल टू 1/v और माइनस का 1/10। अब ये माइनस में है, इक्वल की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, इसका इसमें, और इन दोनों को जोड़ देंगे और इसका इसमें, तो कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 10 × 20 माइनस 20 और ये प्लस 15/150 इक्वल टू 1/v। अब यहां से देखिए माइनस का 5/150 बराबर 1/v, सॉल्व कर देंगे, काट देंगे, 5 से ही 15 आएगा 30, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/30 इक्वल टू 1/v, और इसको पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो v इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। मतलब कि माइनस क्यों आ रहा है, माइनस मतलब कि दर्पण के सामने ही जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए ये वैल्यू माइनस में आ रही है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, जो प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी, या प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर दर्पण के सामने मतलब ये अगर दर्पण ऐसे हो, ये दर्पण
अगर ये दर्पण होगा तो 30 सेंटीमीटर इधर, मतलब यहां से कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, और यही हमसे इसमें पूछ रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे न्यूमेरिकल आप भी अपने से सॉल्व करते रहिए। अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कि सर ये न्यूमेरिकल मुझे नहीं आ रहा है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।